हेलो स्टूडेंट, मैं तो राजपूत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट लोगों, हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, यदि y की पावर x इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में नीचे लिखा है लॉग वाई। तो स्टूडेंट लोगों, ये बोर्ड 2022 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के लिए। तो देखो, हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास लिखा है, देखो y की पावर x इक्वल टू लिखा है e की पावर y माइनस एक्स। तो स्टूडेंट देखो, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब इसका हम देखो डिफरेंशिएशन, इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ठीक है लिखा है y की पावर x लिखा है यहाँ पे, तो मतलब y भी हमारा देखो चर है, ठीक है, और x भी हमारा चर है। तो जब चर की पावर चर होता है, ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो लॉग से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका हम दोनों साइड लॉग लेंगे। देखो यहाँ पे तो लिखते, देखो यहाँ पे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखो ठीक है, दोनों साइड हम इसका लॉग ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास log y की पावर x इक्वल टू आ जाएगा log आ जाएगा e की पावर y माइनस एक्स। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे, ठीक है। कैलकुलस में जब भी हम log लेते हैं तो हमारा जो बेस होता है वो e होता है, ठीक है, यहाँ पे वो साइलेंट होता है, ठीक है, बेस e होता है यहाँ पे। अगर ना लिखा हो कैलकुलस में बेस कहीं भी, तो हम लोग बेस e मानते हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, लॉग का। तो लॉग एम की पावर एन, ठीक है, यहाँ पे तो ये पावर होती पहले जाती है, ये हम लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पर, ठीक है, तो देखो ये पावर पहले कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स लॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो पावर पहले कर दो तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस एक्स ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ई बेस ई हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो ध्यान से, अब इसकी देखो जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू वन होती है यहाँ पे, ये याद रखोगे कि लॉग का फॉर्मूला होता है, अगर ये वाला नंबर और ये वाला बेस अगर दोनों सेम है तो लॉग की वैल्यू देखो ये पूरा वन हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये दोनों नंबर सेम है, ठीक है, तो लॉग की वैल्यू कितनी जाएगी, वन हो जाएगी। यहाँ बचा हमारे पास, तो ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे ये वाई होगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा वाई माइनस एक्स। अब देखो स्टूडेंट, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है, देखो डी वाई डी एक्स निकालना है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे x वाले, इस वाले x को इधर लाएंगे, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो जाएगा हमारे पास x log y, ठीक है, और प्लस x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा। अब देखो x कॉमन ले लेते हैं, ये जाएगा हमारे पास log y प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा y आ जाएगा, देख लो, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा वाई अपॉन में आ जाएगा वन प्लस लॉग वाई आ जाएगा, देख लो, ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका हम डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स लिखा, ठीक है, और ये पूरा जो हमारा फलन है, ठीक है, ये पूरा वाई का फलन है यहाँ पे, तो हम एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे d अपॉन डी वाई और यहाँ लिख देते x, तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ लगाएंगे देखो भाग विधि, थी यहाँ पे भाग विधि लगाएंगे तो हर का कर देते हैं हम लोग वर्ग, तो वन प्लस लॉग फाई का होल स्क्वायर का वर्ग कर देते हैं, फिर हमारे को ऐसी रखेंगे और d अपॉन डी वाई कर देते हैं अंश, फिर माइनस, फिर अंश को ऐसी रखते हैं, फिर d अपॉन डी वाई कर देते हैं हर, देख लो, ठीक है, यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा हमारे पास, ये डी एक्स अपॉन डी वाई बन जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कि डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू आ जाएगा देखो हमारे पास। अब इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इसका देखो डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा, ठीक है, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कितना होता है, वन होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो वन हो जाएगा। और इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस log y हो जाएगा, ठीक है, और इंटू में वन, फिर माइनस, फिर हो जाएगा y इंटू, ठीक है,
और इधर आ जाते हैं, देखो इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसका देखो डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो जाएगा और लॉग वाई का हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन वाई आ जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये यह जाएगा 1 का 0 और लॉग वाई का हो जाएगा 1 अपॉन वाई आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा देखो हमारे पास 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, देख लो ठीक है यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन dy इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस लॉग वाई ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं y अपॉन y हो जाएगा y अपॉन y और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ठीक है यहाँ पे। तो आ जाएगा dx अपॉन में dy आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस लॉग वाई आ जाएगा ठीक है, माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर ये आ जाएगा ठीक है। अब ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ठीक है यहाँ पे, तो dx अपॉन dy आ जाएगा हमारे पास लॉग वाई अपॉन में ठीक है 1 प्लस ये आ जाएगा लॉग वाई का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो हमें निकालना क्या था, रुकिए यहाँ से देखो पीछे ठीक है, हमें निकालना था यहाँ पे dy अपॉन dx निकालना था, और अपना क्या निकला है देखो यहाँ पे, अपना निकला है dx अपॉन dy, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। देखो उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, dy dx आ जाएगा हमारे पास, इस साइड भी उल्टा कर देते हैं इसको, इस साइड भी उल्टा करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर ठीक है, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास लॉग वाई आ जाएगा, देख लो ठीक यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास। देखो ठीक है यही हमें प्रूफ करना था ठीक है, ध्यान से देख लो ठीक है यहाँ पे, देखो पीछे ठीक है ये प्रूफ करना था। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था स्टूडेंट ठीक है यहाँ पे।